प्रोजेक्ट है, हमने कोविड के दौरान शुरू किया था, जिसमें हमने एक ई रिक्शा को मैन्युफैक्चर करके उसमें बुक शेल्फ डालकर उसको लाइब्रेरी का एक आकार दिया है। हमारा मकसद ये था कि हम लोगों को घर घर बुक्स पढ़ने के लिए प्रोवाइड कर सकें। अभी हमारे पास दो लाइब्रेरी हैं जिसमें टोटल मिलाकर 600 बुक्स हैं। पाँचों दिन अलग अलग लोकेशन पर इसको खड़ी करते हैं। Once the literary society people approached me that they want to have the library parked here for 2 days in a week, so that was a very good decision on their part, and I immediately agreed to it, and I can see people showing interest in this. Schools में तो बच्चों को किताबें मिल जाती हैं, तो वहाँ पर दूसरे जो society के लोग हैं उनको किताबें वहाँ से issue नहीं हो सकती school से, तो इसलिए ये जो होशियारपुर literary council का जो ये मोबाइल लाइब्रेरी या लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का प्रोजेक्ट है, इस नज़रिए से बहुत अच्छा है कि यहाँ से कोई भी गांव का नागरिक जो है वो किताब ले सकता है। उसके लिए इन्होंने ये जगह भी बहुत सूटेबल चूज़ की है कि पेट्रोल पंप के ऊपर बहुत से लोग, हज़ारों लोग एक दिन में आते हैं और यहाँ पर मोबाइल ये लाइब्रेरी खड़ी रहती है, तो यहाँ से लोग किताबें इशू करवाते हैं। इस लाइब्रेरी के जरिए में हमें हिंदी, पंजाबी एज वेल एज इंग्लिश बुक, तीनों सब्जेक्ट की बुक्स हमें मिल सकती है। कोई भी बच्चा कुछ भी चाहे, किसी में भी उनको इंटरेस्ट है, कुछ भी ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारी बेनिफिशियल है। पहला साढ़े पिंड में तो लाइब्रेरी नहीं थी, हूँ पेट्रोल पंप की लाइब्रेरी है, असी तो बुक्स इशू करवा के घर जाके पढ़ सकते हैं। कोई भी इतिहासिक स्टोरी वगैरह के लिए बुक्स बुक्स के ऊपर एक कार्ड होता है, ड्यू डेट आते हैं, रिटर्न डेट देते हैं, जब उन्होंने ली होती है उसकी डेट, जब वो रिटर्न करते हैं उसकी डेट, जहाँ बुक का नेम होता है। जो हमारे पास बुक लेने के लिए आते हैं उसका हम एक आधार कार्ड लेते हैं, सिक्योरिटी के तौर पर एक 200 रुपया लेते हैं और 25 दिनों के लिए बुक इशू करते हैं। उसके बाद बुक को रिटर्न करवा के जाते हैं, 25 दिनों के बाद हम उनको कॉल करते हैं। ये जो बुक्स होती है केवल हम उसको पढ़ने के लिए ही इशू करते हैं रेंट के, रेंट पर। ये बुक्स हम बेचते नहीं हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए होती है। सम ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन दिस प्रोजेक्ट दैट इट डजंट हैव अ सस्टेनेबल फंडिंग सिस्टम येट, वी हेविली रिलाय ऑन बुक डोनेशंस, वी डोंट हैव बुक्स समटाइम्स, वी कांट बाय बुक्स एवरी टाइम देयर इज अ रिक्वेस्ट। Some books are really expensive that are requested. We don't have them. People are asking for books like entrance exam books, Brendan Martin language books, which I could not fathom myself that there's a huge demand for such things in a small town. We don't even know whether we'll be able to sustain this model in next 2-3 months. There are times when the drivers don't get their salary. The drivers, we get some sort of help from Red Cross, and there are times that the salary is delayed, so we have to give it from our personal funds. हम ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सोसाइटी के साथ जुड़े और डोनेशन करें।